नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस ब्लॉग में। मैं नवीन सहमवाल, नवीन सहमवाल गढ़वाल हिमालय से मेरे चैनल का नाम। तो साथियों, कैसा लगा आप सभी को मेरा चोपता पार्ट 3, और स्वागत है आप सभी का चोपता ट्रैक पार्ट 4 में। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं वीडियो के एंड में। से थोड़ा आगे और धोतीधार से थोड़ा पीछे, टावर से थोड़ा पीछे, तो ये प्राकृतिक जो स्रोत है यहाँ पे साल भर पानी निकलता है, और यहीं से आप धोतीधार में जहाँ पे होटल वगैरह हैं वो यहीं से पानी ले जाते हैं, वरना आगे पानी की व्यवस्था है नहीं। और ये सुंदर सा यहाँ पर का बढ़िया सा एकदम प्रकृति का आनंद जो है मनमोहक, और ये मोरू के पेड़ हैं, कुछ फरसू और मोरू, बहुत सारी वनस्पतियाँ, बहुत सारे पेड़, बहुत सारी प्रजाति हैं। तो यहाँ पर देखने लायक बहुत कुछ है, और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी होती हैं। बहुत लोग समझते हैं इन चीज़ों को, वो लोग नहीं समझते हैं कि क्या होती है जड़ी बूटियाँ। तो कुछ कुछ पहचानते हैं हम लोग, कुछ कुछ नहीं पहचानते हैं। तो यहाँ पे सामने देख सकते हैं आपकी बहुत सारे किस्म किस्म के फूल खिले हुए हैं। तो मैं पहुँच चुका हूँ बिल्कुल टावर के ठीक बगल पे। तो आप देख सकते हैं ये काचुला खरक का जो है ये पूरा एरिया दिखाई दे रहा है। ये सामने आप काचुला खरक देख रहे हैं, ये जो एरिया है वो काचुला खरक का है। और ये काचुला खरक ये कस्तूरी वन विहार का क्षेत्र है, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये मंडल घाटी सामने। तो मंडल घाटी आप टावर के ठीक बगल से देख सकते हैं, ये मंडल घाटी का है नज़ारा। और यहाँ से इस समय बादल नहीं लगा हुआ है, और चारों तरफ देख सकते हैं आपकी बहुत ही बढ़िया जो लोकेशन है यहाँ से दिखाई देती है। और सामने गंगोल गांव, अब ये देख रहे होंगे ये बहुत, ये जो है बहुत ज़्यादा जूम करना पड़ रहा है, साफ नज़र नहीं आएगा उतना। तो ये गंगोल गांव है, ये गोपेश्वर के बिल्कुल पास में है। और ये नीचे आप देख रहे होंगे ये इधर छानियाँ हैं, एक आपका फील्ड सा नज़र आएगा। ये भौंस हमारे यहाँ का जो लोग छानियों में रहते हैं, मतलब मोरूड़ा में रहते हैं, वो लोग उनका भौंस है। और मैं ले चलता हूँ आपको टावर के ठीक ऊपर, वहाँ से कैसा नज़ारा होता है वो आपको। टावर पर चढ़ना बहुत मुश्किल का काम है, ये पूरा हिलता है और बड़ी दिक्कत है यहाँ पे जाने की। ये देख सकते हैं आप, बहुत खड़ा रास्ता है। तो मैं पहुँच गया है टावर के बीचों बीच, और हालांकि इससे ऊपर भी है लेकिन यहाँ स्थिति खराब है। आप लोग इसके ऊपर ना जाएं क्योंकि ये सारी चादर ऊपर से फट गई है, ये रेकी वाली जो टावर है। तो मैं यहाँ से आपको व्यू दिखाऊं, ये है यहाँ से सारा व्यू दिखाई दे रहा है, और चारों तरफ शांत वातावरण, बिल्कुल बिल्कुल शांत वातावरण, इसकी कोई बिल्कुल शांत वातावरण, इसमें कोई दोहराई नहीं। और ये पांगरवासा है नीचे, पहले का जो कहा जाता है यहाँ पे बाजार हुआ करता था जब पैदल मार्ग में आते थे लोग यात्रा पे, तो ये पांगरवासा है। तो ये पैदल मार्ग का रास्ता था पहले, अभी तो कम ही लोग आते हैं वहां से। और ये रोड है यहाँ से, तो ये रोड का रास्ता है, यहाँ मैंने गाड़ी खड़ी करी हुई है। और ये आप चोपता के लिए निकल गए आगे, और अभी आगे बादल लगा हुआ है, और यहाँ से नीचे मंडल को, और यहाँ से ये पैदल रास्ता भी है नीचे, आप देख रहे होंगे ये नीचे पैदल रास्ता भी है। तो यहाँ से भी आप प्रकृति के आनंद ले सकते हैं और अपने छुट्टियों का आनंद उठा सकते हैं यहाँ से भी। और इस पे बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है, और डर भी लग रहा है मुझे क्योंकि कि पिछली बार मैं ऊपर यहाँ गया था तो ये पूरा हिल रहा था, वहाँ पाँव रखने के लिए जगह थी नहीं, तो इसलिए मुझे थोड़ा डर सा भी लग रहा है इस पे ऊपर, क्योंकि यहाँ से नीचे घुसेंगे तो नीचे सड़क पे जाके गिरेंगे। तो ये है पूरा व्यू यहाँ टावर का, यहाँ से बनवा की ये रेकी का है, यहाँ से चारों तरफ देखने के लिए और नज़र बनाए रखने के लिए। और यहाँ से आप चारों तरफ देख सकते हैं इस टावर से चारों तरफ। और मैं वापस आ गया हूँ, अब मुझे जाना है घर को, और कोशिश ये करूँगा कि बीच में बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे आपको दिखाता चलूँ। और ये जो है बहुत ही बढ़िया टावर है, यहाँ से मज़े हैं यहाँ से देखने के, और यहाँ पे अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। और बहुत हाइट पे हैं अभी हम लोग। तो ये सामने पोखरी वाला साइड दिखाई दे रहा है, उधर दिख रहा है आपको तो शायद, दिख रहा नहीं दिख रहा, पर ये है जूम करके दिख रहा है। तो ये देखिए आप,
यहाँ बोर्ड पे सीमा प्रारंभ की केदारनाथ कस्तूरी मृग विहार का है, पॉलिथीन का प्रयोग वर्जित है। अब देखिए साथियों, हम लोग देखिए हम प्रकृति के साथ कितना नाइंसाफी करते हैं। हम लोग यहाँ देखिए, हम लोग अपने खाने पीने का सामान और कुछ लोगों ने यहाँ पे शराब वगैरह भी पी है और ये सारा फेंक के चले जाते हैं। हम स्वर्ग को बिल्कुल नर्क बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आप लोग कैसा बिखरा हुआ है, जरूर आप आनंद उठाइए, जरूर आप हर स्थिति का यहाँ पे हर नजारे का आनंद लें, परंतु ऐसा कुछ न करें कि जिससे हमारी प्रकृति को कोई नुकसान हो। मेरा एक व्यक्तिगत संदेश है कि कृपया आप डस्टबिन का प्रयोग करें, इस प्रकार का जो है वो अच्छा नहीं होता है। और आने वाले जो लोग पर्यटन हैं बाहर से, तो उन लोगों के मन में भी एक अलग सी छवि चली जाती है कि उत्तराखंड के लोग ऐसे हैं। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया ऐसा ना करें। मैं टावर से नीचे आ गया हूं और मैंने आपको दिखाया कि पीछे कितनी गंदगी लोगों ने फैलाई थी। हालांकि यहाँ पे किसी ने कोशिश तो की है इसको जलाने, लेकिन आप जानते नहीं कि ये सेंचुरी एरिया है, यहाँ पे आप माचिस और ब्लेड तक नहीं ला सकते हैं, आपके ऊपर उसके तहत केस हो जाएगा, आपके वन अधिनियम के तहत केस हो सकता है। तो इस प्रकार का कुछ भी ऐसा ना करें कि जिससे कल के दिन आप फंस जाओ और बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएं। तो देख सकते हैं आप मेरे पीछे बहुत ही विशाल का जो चट्टान है, नीचे से लेकर के ऊपर तक आप देखिए, ये ऊपर लास्ट एरिया जो है, ऊपर लास्ट जो टॉप है वहां पर बादल लगे हुए हैं। तो चलो साथियों बढ़ते हैं आगे, आप लोग वीडियो में बने रहें। खरक से ठीक पीछे ये वाटरफॉल आप देख सकते हैं, काफी हाइट से ये पानी आ रहा है ऊपर से और बहुत ही हाइट से पानी गिरता हुआ, और ये ठीक बीच में है नाथुला खरक और पांगरवासा के बीच। मैं जा रहा हूँ पांगरवासा और ये कांचुला खरक से थोड़ा नीचे है और मंडल की साइड को है, और ये पुराना रास्ता है। पहले यहाँ से केदारनाथ के लिए यहीं से जाते थे, जब सड़क मार्ग नहीं था तो यहाँ पे पहले एक बाजार हुआ करता था। और आप देख रहे होंगे यहाँ रास्ता है, ये फॉरेस्ट का रास्ता है, और हालांकि रास्ता तो उधर से भी है और ये शॉर्ट है थोड़ा, वो काफ़ी टूटा फूटा है, इसलिए मैं वहाँ से आने एक साल बाद मैं भी इस रास्ते पर चल रहा हूँ। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा चलने पर ही सांस फूल जाती है, और ये पहले पूरा बाजार हुआ करता था यहाँ पे, और ये रास्ता ऊपर पहुंचता है। ये है पांगरवासा का रास्ता। तो आप तो ये रास्ता टूट चुका है, अब जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। ये है रास्ता, मैं शॉर्ट से आया, तो ये फॉरेस्ट के पहले वो हुआ करती थी यहाँ पे नर्सरिया, और अब तो नर्सरिया नहीं है यहाँ पे। तो ये पांगरवासा का पुराना रास्ता, अभी तो यहाँ का खड़ींचा मार्ग खत्म हो गया है, टूट चुका है पूरा, और यहाँ पे बरसात में बहुत ज्यादा झोंक होती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा झोंक होती है और बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे चलना, क्योंकि जो ये मंडल वाला एरिया है ऊपर चोपता तक, तो ये हालत खराब कर देता है। नए जो लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, उनके तो बुरे हाल हो जाते हैं, झोंक चिपक जाती है तो फिर निकलती नहीं है, उनके लिए तो बहुत टफ हो जाता है। और हम लोगों को आदत है तो हमको ज़्यादा फर्क पड़ता है नहीं, झोंक लगे तो कोई दिक्कत है नहीं। तो मैं जा रहा हूँ पांगरवासा में, और ये पांगरवासा इस समय पूरा हरा भरा है, और यहाँ पे शानदार बुगलू होता है, ये पीछे सफ़ेद दिखाई दे रहा होगा मेरे पीछे, तो बहुत ज़्यादा होता है ये बुगलू। और मैं जा रहा हूँ ऊपर पांगरवासा में, क्या है पांगरवासा का सुंदर, ये पहले पुराने जो खंडर हैं अभी, वो पहले वो हुआ करते थे, दुकानें हुआ करती थी यहाँ पे, और लोगों का यहाँ रोजगार का साधन हुआ करता था, और अभी तो सब खत्म हो चुका है, रोड आने से ये सब खत्म हो चुका है।
और ये है पांगरवासा का जो धारा है, पहले ये यहाँ पे बढ़िया हुआ करता था, अभी पूरा घास पात हो गई है। ये तो ये साल भर निकलता है ये पानी। ये भैंस है, इनको मैंने अभी पीना दिया और ये मेरे पीछे पड़ गया है और ये मेरे पीछे दौड़ रहा है, अच्छे मेरे पीछे पड़ गया है। इनको पीना देने का काम मुझे दिया गया था और ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये पीछे पीछे चल रहा है मेरे, जहां मैं जा रहा हूँ मेरे पीछे आ रहा है, इसको और चाहिए। तो साथियों मैं आ गया हूँ पांगरवासा से वापस और इसने मुझे बहुत दौड़ा है, ये मेरे पीछे पड़ गया था। और क्योंकि होता है कि अक्सर मैंने ये देखा है कि जो जंगली, फाइनली मैं वापस आ गया हूँ पांगरवासा से और मैं पहुंच चुका हूँ सड़क पे और मैं गाड़ी में बैठ गया और अब चलते हैं आगे। तो पीछे मेरे भैंस पड़ गई थी, मैंने उसको पीना दिया इसलिए मेरे पीछे पड़ गया था। तो वो अभी ये ऊपर ही आपको दिख रहा होगा, यहाँ ऊपर ही है, तो यहाँ पे वो मेरे पीछे है अभी। तो वो सोच रहा थोड़ा और मिल जाए क्योंकि काफी समय से वो नीचे ऊपर कर रहे हैं, कभी मंडल और कभी ऊपर आ रहे हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा नमक की ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए वो पीछे पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे ब्लॉग में। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं घर और आपको आज का व्लॉग कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर ज्यादा से ज्यादा करेंगे। और मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय माता दी।